भैया आप तो आज काफी कैजुअल, मतलब जैकेट वैकेट में आए, आप स्मार्ट लग रहे हैं। पाजी, इनको ऐसा लगा कि मैं यहाँ पे लंगोट में एंट्री मारूं। गजब बेइज्जती है। सलमान भाई ने जो फिल्म में लंगोट पहना, वो कोई आम लंगोट नहीं है। मतलब वो डिजाइनर लंगोट है। लंगोट में एक चोर पॉकेट भी है। मैं तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। आप वाकई में बहुत ही बदतमीज और बेहुदा किस्म के इंसान है। देखो दुनिया कितनी छोटी है, छोटी सी मुलाकात में कितना कुछ जान गई मेरे बारे में। मेरे ख्याल से हम अब अजनबी नहीं रहे सेनोरिटा। चलो इसी चक्कर में एक छोटी सी पप्पी ले लो। क्या? बाबा कुछ दे ही रहा हूँ, ले तो नहीं रहा हूँ। और वैसे भी बुजुर्ग आदमी हूँ, कोई वैसे मतलब मन में कोई गंदगी नहीं है, सारी दिमाग में है। विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम, चुप रहो। सबसे पहले अगर डांस सीखना हो ना जी, तो अपनी बॉडी को फ्री छोड़ो। ओके, ठीक है। और जब डांस की सबसे पहली अभी मजा आएगा ना भिड़ो। समझ रहे हो आप। सर वैसे आपने अनिल सर के साथ काफी फिल्में की हैं, मैंने देखा है, 8-10 तो मैंने देख ली ऐसी। तो आपको इनके साथ काम करने मजा आता है कि इनसे कोई लोन वगैरह लिया हुआ है आपने? बड़ा हरामी हो बेटा। पता है जब भी कभी भी हम लोग कभी लाइक इफ यू एंड करण के घर में हम लोग होते हैं, हम सब और भी लोग होते हैं और दोस्त वोस्त, तो कभी भी अगर कोई ये गेम होता है ना, ये वो सोच के अगर हम सिर्फ दोनों करण के घर अकेले होते तो कुछ बुरा होता। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। दूसरी बार पापा बन गए यार। थैंक यू। अब पहले ही बार बनने का टाइम नहीं लग रहा। बड़ा मेहनती लड़का है बहुत। शेव करने का टाइम नहीं, बाकी सारे काम टाइम पे हो रहे हैं। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। जब फिल्म मस्ती आई तो रितेश भाई ने जनीले से शादी की, उसके बाद ग्रैंड मस्ती आई, फिर इनके एक बेबी हुआ बड़ा प्यारा सा, अब ग्रेट ग्रैंड मस्ती की है, उसके बाद फिर बेबी हुआ जी। तो टोटल कितने सीक्वल करने का इरादा है आपका? फैमिली प्लानिंग आप कर रहे हैं कि इंद्र कुमार जी कर रहे हैं? तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। बड़े प्यारे लग रहे हैं आप दोनों। डिसीजन ठीक था ना? मतलब तानू की लग रहे हैं सर? नहीं नहीं, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप देखने में तो। दोनों बड़े प्यारे लग रहे हो, अंदर की बातें आपको बताऊंगी। बड़े हरामी हो बेटा। मेरी बात सुनो, तुम मुझे कोई भी प्यार करो, उस बच्चा यादव से तो ज्यादा ही खुश रखूंगा तुम्हें मैं। देखो मेरे जीजू से कोई बराबरी नहीं कर सकता। तुम एक बार शादी करो, सबसे पहले मैंने उसका रिकॉर्ड तोड़ना है, उसके 11 बच्चे मैंने 16 करने हैं। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ये आपसे एक नॉर्मल सा मेरे मन में सवाल था कि जब आपने अपने घर वालों को बताया कि मेरी पहली फिल्म जो है वो इमरान हाशमी के साथ है, उनका रिएक्शन क्या था? प्यारी समझ गई। देखा फिल्म जी, देखा आपने मेरी बहू को? देखा देखा वैसे किसी की बहू बेटियों को ऐसे देखते नहीं है। Have some manners। गजब बेइज्जती है। मैं आ जाऊं? ये किस तरह की सीट है सर? मैं आ जाऊं? इससे गद्दी हटा के हम टॉयलेट में भी यूज कर लेते हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? एक बार एक बच्चा ऐसे ना खिड़की में से टीवी देख के आ रहा था घर पे, बाप भड़क गया, कहां जा रहा तू? घर में टीवी देखने गया था। कहता तो कौन सी फिल्म देख रहा था? कहां से देखी तूने? मतलब खिड़की में से। मतलब तो क्या देखा? उसमें ना हीरो हीरोइन का हाथ पकड़ता है और फिर वो उसको ऐसे हग कर लेता है, और फिर जब उसको हग कर लेता है फिर लाइट चली जाती है। बाप दो थप्पड़ मारता है, बदतमीज क्या क्या देख के आ जाता है, उनके घर में तो टीवी नहीं है। समझ रहे हो आप?